My dil goes aati hai wo aise chal ke jaise. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल. तो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है. तो गाइज, मैं आपके लिए फिर से एक बार एक न्यू स्टेटस का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ. और ये जो सॉन्ग है ना गाइज, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है इंस्टाग्राम के रील पर. और अगर आप इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर इंस्टाग्राम के रील पर अपलोड करते हैं ना, तो आपका वीडियो जरूर वायरल हो सकता है. तो इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने से पहले आपको करना क्या होगा, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए. और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और हाँ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑलवेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए. और हाँ फ्रेंड्स, आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. अगर आपका कोई भी सवाल क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर करूँगा. तो फॉलो कर लीजिएगा. और गाइस, मैं अपने स्टेटस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज करता हूं वो सारा मटेरियल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा. तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है. ओपन करने के बाद आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको 9.16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है. इसके बाद गाइस, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आपको एडिटिंग में क्लिक करके आपको इसे कर देना है फिल स्क्रीन, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है. इसके बाद आपको मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करके आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड इनपुट कर लेना है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है और इसके लेंथ को हल्का कुछ जितना आप इसे बढ़ा लीजिएगा. इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पर आना होगा, आपको ऑडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना सॉन्ग को ऐड कर लेना है. तो आपको इस सॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा. तो गाइस, मैं अपने सॉन्ग को ऐड कर लेता हूँ. तो हमारा सॉन्ग आ चुका है, आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, आपका सॉन्ग ऐड हो जाएगा. इसके बाद गाइस, आपको टिक पर क्लिक कर लेना है. इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने वीडियो को जूम कर लीजिए कुछ इस तरीके से. जूम करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपका सॉन्ग किस जगह से स्टार्ट होता है, आपका जो बीट है. तो देख लेते हैं, तो गाइस हमारा इस जगह से स्टार्ट होता है. तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, कैंची को ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसे कर देना है ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड. इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको स्टार्टिंग पर आना होगा, लेयर को ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको एक टेक्स्ट पीएनजी को इनपुट कर लेना है. तो हमारा टेक्स्ट आ चुका है. सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इस हल्का जूम कर लीजिए कुछ इस तरीके से. जूम करने के बाद आपको क्या करना होगा, आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा एंड आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा इन एनिमेशन. और आपको क्या करना है, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा, आपको दिखा देता हूँ स्केल डाउन कुछ इस तरीके से. और इसका जो फालतू पार्ट है पीछे का आपको कट कर लेना है. तो आपका जो लेयर उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, कैंची को ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसे कर देना है ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेड. तो आपका जो पीछे का फालतू पार्ट है वो कट के हट जाएगा. इसके बाद गाइस, आपको क्या करना होगा, आपको फिर से मीडिया को ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना कुछ फोटो को ऐड कर लेना है. आप गाइस बस 4 फोटो को ऐड कर लीजिएगा तो आपका स्टेटस बनके तैयार हो जाएगा. तो आपको किस तरीके से स्टेटस बनाना है आपको दिखा देता हूँ. तो सबसे पहले आपको अपना आपका जो इमेज होगा आपको उसे ऐड कर लेना है. तो गाइस, मैं सबसे पहले अपने इमेज को ऐड कर लेता हूँ. तो गाइस, मैंने अपने 4 फोटो को सिलेक्ट कर लिया, तो आपको भी कर लेना है. और इसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इनके लेंथ को आपको छोटा कर लेना कुछ इस तरीके से. तो आप छोटा कर लीजिएगा, आपको इस तरीके से छोटा कर लेना है. तो आपको दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से. बस गाइस, आपको 4 ही फोटो आपको ऐड करना होगा, तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया. तो गाइस, आपको क्या करना है, और हल्का हल्का इसके लेंथ को आप बढ़ा लीजिए कुछ इस तरीके से. तो देख लीजिए गाइस, हमने इतने इसे बढ़ा लिया अभी इस तरीके से. तो आपको भी कर लेना है. और इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने इमेज पर क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना होगा. तो आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स को ऑप्शन में क्लिक करना होगा और आपको इस ग्राफिक्स को डाउनलोड करना होगा. आपको दिखा था लाइट स्लाइडर. तो आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर का. गेट मोर का ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसे ढूंढ लेना है इस ग्राफिक्स को और आप डाउनलोड कर लीजिएगा. डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से इसे ऐड कर लेना है. फिर आपको दूसरे इमेज पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स को ऑप्शन में क्लिक करना है. आपको उसी ग्राफिक्स में आपको एंटर करके आपको इस तरीके से इसे ऐड कर लेना है. तो गाइस, हम अपने सही फोटो पर सेलेक्ट कर लेते हैं इस ग्राफिक्स को. तो आपको भी कर लेना है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसे ऐड कर लीजिएगा. इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है. तो ऐड हो चुका है. और इसके बाद गाइस, आपको क्या करना होगा, आपको फिर से स्टार्टिंग पर आना है, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना वीडियो इफेक्ट को ऐड कर लेना है. तो उसे हम ऐड कर लेते हैं.
तो गाइस हमारा वीडियो इफेक्ट आ चुका है। सबसे पहले आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट करना है। स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करके फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा और आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसे कर देना है स्क्रीन। तो स्क्रीन हो चुका है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है और इनका जो पीछे का फालतू बैड आपको कट कर लेना कुछ इस तरीके से। तो कट हो चुका है, फिर से आपको स्टार्टिंग पर आना होगा, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना फ्रेम पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो उसे भी हम ऐड कर लेते हैं। तो गाइस हमारा फ्रेम पीएनजी आ चुका है, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट करना होगा। स्क्रीन वाला ऑप्शन में क्लिक करके फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट करना है एंड इसके लेंथ को आपको वीडियो के एंड रख लेना है। तो फाइनली हमारा जो स्टेटस होगा इस बन के तैयार हो चुका है। तो इसे मैं अभी एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो आप भी अपना खुद का इमेज का इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आता है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपको क्या करना है, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा और आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है जिस क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो गाइस आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतने, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।